सब, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने देखा कि मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो गाइस, कल है दिवाली। मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग की स्टार्टिंग दिवाली से की है, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ गड़ाप में और दिवाली की तैयारियाँ जो स्टार्ट हो चुकी हैं वो मैं आपको डायरेक्ट कल दिखाऊँगी। आज व्लॉग स्टार्ट करने का मकसद ये था कि मैं आपको अपनी पर्सनल तैयारियाँ दिखाऊँ जो मैं आज करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं करूँगी नेल्स आर्ट्स करके आपको दिखाऊँगी। मैं साथ ही साथ आपको दिखाना चाहती थी, बट यहाँ ही तो पता चला यहाँ लाइट नहीं है, तो इस वजह से मैं आपको नहीं दिखा सकती। तो नेल्स आर्ट्स करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने नेल्स आर्ट्स कैसे किया है। तो मेरा नेल्स आर्ट्स हो चुका है कम्प्लीट और ये देखें, सूट मेरा अलग कलर का है जो मैंने नेल पॉलिश ली भी है, बट वो पील ऑफ निकली है, तो उस वजह से मुझे जो डिज़ाइन बनानी थी वो मैं नहीं बना पाई। बट सूट में थोड़ा रेड है शेड, तो उस वजह से मैंने रेड ही लगा ली है। बट खैर है, सही है, अच्छा है, अच्छी लग रही है, सिंपल है, अच्छी लग रही है। बट जो मुझे बनानी थी वो मैं नहीं बना पाई। कुछ ना कुछ स्यापा हो ही जाता है। तो अब मुझे मेहंदी लगवानी है। अब देखूँ, पहले खाना खाऊँगी, फिर देखूँ अगर कोई ऐसी लड़की हुई जिसने अच्छी मेहंदी लगाई तो फिर मैं उसके पास जाऊंगी मेहंदी लगवाने। बट अभी कुछ भी पता नहीं है, पहले मैं खाना खाऊंगी फिर मेहंदी लगवाऊंगी या नहीं वो मैं आपको फिर बताती हूँ। तो गाइस, मैंने मेहंदी लगवा दी है, ये देखें सिंपल ही हाथ हैं। और दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ। तो सेकंड हैंड मेरा ये है, सिंपल ही लगवाई है। तो आज का दिन यही निकल गया नेल्स आर्ट्स में और मेहंदी में। मेहंदी वाले के पास इतनी रश थी कि आज का पूरा दिन यही निकल गया। तो अब रात हो चुकी है, मैं खाना खाऊंगी, फिर सो जाऊंगी, फिर कल उठूंगी। कल दिवाली है, कल क्या करते हैं, धमाल मस्ती सब कुछ कल होना है। तो फिर कल इस ब्लॉग को यहीं से कंटिन्यू करूँगी। तो अभी मैं खाना खा के सोने जा रही हूँ, फिर कल मिलूँगी आपसे और इस ब्लॉग को कल ही कंटिन्यू करूँगी यहीं से। तो गाइस, फाइनली दिवाली का दिन आ चुका है। आज दिवाली सेकंड डे स्टार्ट हो चुका है। तो मैं उठी थी, नाश्ता किया, नाश्ता करके रंगोली बनाई, वो फिर मैं आपको रात को दिखाऊंगी जब दिए वगैरह जलेंगे, फिर मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। तो अभी मैंने खाना खा लिया है, अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने। फ्रेश होके फिर मैं रेडी होके आपको मिलती हूँ अपने फाइनल लुक के साथ। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और ये है मेरा फाइनल लुक। तो ये मेरा फुल लुक है, दिवाली लुक। और बाकी सब रेडी होंगे, उसमें टाइम है। कुछ लोग कराची से भी आ रहे हैं और जो यहाँ पर हैं वो अभी तैयारियों में ही लगे हुए हैं। तो अब मैं इसलिए जल्दी तैयार हुई थी कि मैं वीडियोस बना पाऊँ और पिक्स ले पाऊँ। बाकी सबको अभी थोड़ा टाइम है, तो सब रेडी हो जाए, नीचे जाऊँगी, फिर जो होगा वो मैं आपको बताऊँगी। तब तक मैं अपनी कुछ पिक्स और वीडियोज़ बना लेती हूँ, फिर नीचे क्या होता है वो मैं आपको दिखाऊँगी। दिवाली के दिन बिरयानी हम लोग खाते हैं गाइस, आप देख सकते हैं। तो गाइस, अब मैं जा रही हूँ फाइनली नीचे। वीडियोस पिक्स वगैरह मैंने थोड़ा बहुत कुछ बना ली थी, अब मैं नीचे और भी बनाऊंगी। तो अब मैं नीचे जा रही हूँ, देखते हैं नीचे का क्या सूरत हाल है, नीचे क्या क्या हो रहा है। तो गाइस, अब मैं नीचे उतर रही हूँ, देखते हैं क्या सूरत हाल है। ये यहाँ अभी कान्हा बना रही हैं, अभी इनको टाइम है, चले देखते हैं कि इस घर में कैसी रंगोली वगैरह बनी है, चले देखते हैं। तो ये देखें यहाँ पे रंगोली कितनी प्यारी बनी हुई है फ्लावर्स से, और ये कोस्तानी के संज घोड़े, और ये हैप्पी दिवाली की रंगोली, कृष्णा की पेंटिंग, और ये लक्ष्मी माता की पूरी। तो चलते हैं अब दूसरे घर पे, देखते हैं वहाँ क्या सूरत हाल है, चलें देखते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं इस घर में। तो ये दूसरे घर की रंगोली है जहाँ हम पूजना वगैरह करते हैं, लक्ष्मी माता की पेंटिंग है, और ये दिए भी बुझ गए हैं। रात के 1 बजे तो दिए तो वैसे भी बुझने। ये देखें, वेट वेट, ये दिए, ये देखें लक्ष्मी माता की पेंटिंग, ये अभी मैं गिरने वाली थी।
ये देखें, यहाँ हम पूछना करेंगे। तो गाइस अभी हमने दिवाली स्टार्ट नहीं की है, मैं कुछ पिक्स और वीडियोस बनाऊंगी, उसके बाद दिवाली स्टार्ट होगी, खाना जलाएंगे, पूछना करेंगे, वो मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी। सब फोटोग्राफी का सिस्टम चल रहा है। और ये मेरा भाई देखें, ये देखें, ये भी ब्लॉग बना रहा है, उसका भी मैं लिंक डालूंगी और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारे लड़के सब लड़के यहाँ पे अपने ही मजा मस्ती में लगे हुए, किसी को कोई होश ही नहीं है यहाँ पर। और मैं सब देखो ग्लासेस वगैरह फोटोग्राफर हूँ ना, इसलिए गाइस ये देख सकते हैं आप, हमारा पर्सनल फोटोग्राफर है, द पिक्चर निकल रही है। ये पूजा पाठ होगी इधर, फिर इधर सब हम लोग पूरा परिवार हमारा बैठेगा। तो गाइस अभी सब पिक्स और वीडियोस बना रहे हैं, तो अभी हम खाना जलाएंगे, रात के 2 बज चुके हैं और अभी हमारे घर में दिवाली स्टार्ट ही नहीं हुई है। हमारे घर का यही सिस्टम है कि यहाँ पर जो दिवाली है वो लेट स्टार्ट होती है, सब पिक्स और वीडियोस में ही लगे रहते हैं। तो गाइस अभी जो है ना वो दिवाली स्टार्ट नहीं हुई है, अभी डांसिंग वगैरह चल रही है, तो चले मैं आपको दिखाती हूँ बाहर डांस वगैरह कर रहे हैं। अभी जो है ना वो दिवाली स्टार्ट नहीं हुई, रात के मेरे ख्याल से 2 या 2:30 तक बजे ही होंगे और हमारी अभी तक दिवाली स्टार्ट नहीं हुई, बहुत लेट स्टार्ट करते हैं। तो अभी इंजॉय कर रहे हैं, देखते हैं बाहर लड़के जो है ना वॉइस वो डांस कर रहे हैं, तो चले देखते हैं। तो ये वीडियो में कुछ आते हैं कुछ नहीं आते, पर मैं आपको दिखाती हूँ, देखें। सब अपनी मस्ती में मगन है, यहाँ किसी को कोई होश नहीं है और सब देखें, ये देखें, ये इनका प्रेशर ऐसा है, बाल जला देते हैं, इनको खुद पता नहीं चलता, हम लड़कियों को पता चलता है। तो गाइस अभी खाना हमने जला लिया है, अब सब अपने पटाखों में लगे हुए हैं और चलते हैं, हम देखते हैं बाहर क्या सूरत हाल है, देखते हैं। बाली जला ली है इन्होंने, ये लड़के यहाँ पे देखो सब अपने में बिजी, हमारा भगत भाई जिसके बाली जल गए, बाल जल गए, मेरे खुद जल गए बाल, इनको पता चलता नहीं है। और ये हमारे 2 भाई, तो गाइस आप देख सकते हैं मेरी बहन है दिवाली मना रही है, अपने में ही मस्त मगन है, किसी को कुछ नहीं पता यहाँ हो क्या रहा है। और वहाँ पर देखो कुछ लड़के हैं, अपने में ही मगन है, सब अपने में ही है, किसी को कोई होश नहीं है। तो गाइस यहाँ पर सबने फटाके जला लिए और इतना धुआं कर दिया है कि सांस में तकलीफ हो रही है, सब अपने में ही मगन है। सागर है ना, उसने पूरा ये काम किया हुआ है, इतना धुआं फैलाया हुआ है कि सांस ही नहीं आ रही है, बट खैर है चलता है, दिवाली एंजॉय करते रहेंगे, देखते हैं आगे क्या करते हैं। फैमिली टाइम स्टार्ट हो चुका है, हमारी दिवाली अब स्टार्ट हुई है, तो अब स्लो स्लो कुछ होता रहेगा, देखते हैं क्या क्या होता है। Oh,
तो फटाखे वगैरह जलाने के बाद अभी फाइनली आरती स्टार्ट हुई है, तो अब मैं जा रही हूँ आरती के लिए। तो फिर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या आगे होता है। सब कुछ हो चुका था तो अब हम फ्री हो चुके हैं। अब हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी के फिर देखते हैं क्या होता है। मैं कह रही हूँ कि डांस वगैरह करते हैं, पर सब कह रहे हैं कि 4 बज गए, हमें नींद लगी है तो हम सोने जा रहे हैं। बट कोल्ड ड्रिंक पी के देखते हैं कि एंजॉय करते हैं या नहीं, या सबको नींद आ रही है तो वो सोने जाते हैं, फिर देखते हैं। तो गाइस पूरी रात एंजॉय करने के बाद अब हो चुकी है सुबह, सब अपने घर जा के सो चुके हैं। बट मैं अभी भी बैठी हूँ, जुली वगैरह मैंने उतार ली थी, बहुत ही हैवी थी, मुझे व्लॉग एंड करना था तो उस वजह से मैं बैठी थी। अभी भाई भी सब गए हैं नाश्ता करने, तो मैंने सोचा मैं व्लॉग को एंड करूँगी। एंड करने से पहले मैं आपको यहाँ का पूरा जो गंद इन्होंने फैलाया हुआ है ना मेरे भाइयों ने, वो मैं आपको दिखाऊँगी कि कितना गंद फैलाया हुआ है लड़कों ने। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखें कितना गंद फैलाया हुआ है, ये पूरे आंगन का देखें। फटाके जला जला के देखें, पूरा आंगन ही बड़ा गर्क किया हुआ है। ये हमारा आंगन है, सबकी कार खड़ी हुई है, यहाँ पे प्लॉट है पूरा खाली खाली, और यहाँ पे हर दिवाली में यही हाल होता है, सुबह को ये गंद होता है फिर साफ करती है। हम तो बहरहाल कराची चले जाते हैं, फिर कौन साफ करता है वो पता नहीं। ये हमारा घर है और ये चाचुओं का घर है, ये दोनों चाचुओं का घर है, और ये ऊपर भी है। और ये साइड भी हमारा है, बाकी ये चाचुओं का घर है। बट गंद देखें, गंद पे आप फोकस करें। तो जैसा कि मैंने आपको पूरा यहाँ का दिखाया कि कितना गंद है यहाँ पे, तो बहरहाल गंद साफ तो
दूसरों को ही कहना है जो यहाँ पर बैठे हैं, हमारा क्या जाए, हम तो कराची जा रहे हैं। थोड़ी देर में हम निकलेंगे कराची के लिए। तो फिर मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिर मैं आपसे मिलूंगी एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।